सतगामा थाना क्षेत्र की चांदनी दिव्यांग होने के बावजूद कई लोगों के लिए मिसाल बनी। बिना हाथ के व एक पैर से दिव्यांग रहने के बावजूद दिव्यांग बच्ची पैर से लेकर एलकेजी से पढ़ाई का शुरुआत के बाद पढ़ते पढ़ते पांचवीं क्लास तक पहुंच गई और आगे पढ़ने की दिव्यांग बच्ची की ख्वाहिश है, लेकिन घर की माली हालत को देखकर आगे की पढ़ाई पढ़ने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यह कहानी सतगावा थाना क्षेत्र के मीरगंज पंचायत के कानी केंद्र गाँव की रहने वाली जाबाज चांदनी कुमारी की है। जब इस जाबाज बच्ची की कहानी के बारे में पता चला तो उनके घर जाकर पड़ताल की गई तो पता चला कि साल 2011 में जन्म लेने वाली चांदनी फिलहाल गांव के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानी केंद्र में पांचवी क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रही है। चांदनी के पिताजी पेशे से किसान हैं और माँ गृहिणी हैं और दादाजी रेलवे में कार्यरत थे, फिलहाल 2014 में सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। चांदनी अपने तीन भाई बहन में सबसे बड़ी है। चांदनी के दोनों हाथ नहीं है, साथ ही साथ एक पैर से भी दिव्यांग है, फिर भी चांदनी दूसरों के लिए बन रही है मिसाल। पढ़ाई के बलबूते पाना चाहती है ऊंचा मुकाम। चांदनी पैर से लिखती है और लिखावट भी काफी अच्छी है। उन्होंने पैर से ही अपना नाम, पिताजी का नाम और पता लिखा। वहीं उसके पिता विजय प्रसाद यादव ने बताया कि हाथ नहीं रहने के हम निराश हो चुके थे, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया। मेरी बेटी का दोनों हाथ नहीं रहने के कारण मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी चांदनी आगे की जिंदगी कैसे जिएगी। वहीं चांदनी ने बताया कि पिता के मोटिवेट करने के बाद चांदनी नए जोश के साथ और एलकेजी से पढ़ाई शुरू किया और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आज वह अपने मुकाम की ओर पहुंचने जा रही है, लेकिन अभी भी उसे कई तरह की परेशानी हो रही है। बिना हाथ व एक पैर से दिव्यांग रहने वाले लोगों के लिए मिसाल बन रही है। क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रसाद यादव। ये बताइए कि आपका, आपकी बच्ची का क्या नाम? चांदनी कुमारी। अच्छा अच्छा, वो बच्ची जो है से मतलब क्या बच्चे से ही उस तरह जन्मे से उसी। अच्छा, और उसका मतलब हाथ, एक हाथ दोनों नहीं है बच्चे से, दोनों हाथ नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, एक पैर भी डैमेज है। एक पैर भी डैमेज है। उसके बाद भी मतलब इतना पढ़ने में तेज है, लिख लेती है? हाँ, लिख लेती है अपने से, स्कूल आती है अपने से। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। नीलम देवी। हाँ। आपकी बच्ची का क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। अच्छा अच्छा, ये बच्चे से ही इस प्रकार की है? हाँ। मतलब उतना जन्म से है? हाँ। अच्छा, उसके बावजूद पढ़ने में इतना बढ़िया है? हाँ, मतलब इसका, इसको बच्ची को पूछे कि मतलब आगे पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है? मास्टर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मंटू चौधरी, मैं ये मीरगंज पंचायत का मुखिया। ये बताइए मुखिया जी कि कल के, आज के डेट में जो है से मतलब कानी केंद्र विद्यालय की एक छात्रा जिसका नाम चांदनी कुमारी पांचवी क्लास में पढ़ती है, देखा गया है कि वो जो है से उसका ना तो हाथ है ना तो दोनों हाथ नहीं है, एक पैर भी उसका सुनते हैं डैमेज है। उसके बावजूद जो है से वो जो है से अपने पैर के द्वारा जो है कॉपी कलम में बढ़िया से लिख रही है, तो इस पर आप, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम चांदनी कुमार। कौन क्लास में पढ़ती है? हाई क्लास। पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है? शिक्षक बनना चाहती है। हाँ। पापा का क्या नाम हुआ? पिता का नाम विजय प्रसाद यादव। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? घर तुम्हारा कहाँ पड़ता है? कानी केंद्र। कानी केंद्र। कौन सा स्कूल में पढ़ती है? हाँ? कौन सा स्कूल में पढ़ती है? कानी केंद्र। चलो धन्यवाद। तुम्हारे शिक्षक का क्या नाम है? हाँ? शिक्षक का क्या नाम है? दीपक सर, हनी सर, सुरेंद्र सर, महेंद्र सर, संजीव सर। अच्छा अच्छा, मैडम ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, ये बताइए सर कि ये चांदनी जो है कौन क्लास में पढ़ती है? फाइव क्लास। फाइव क्लास में। पढ़ने में मतलब कैसी बच्ची है ये? यहाँ ठीक है सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है आगे चल करके, मतलब क्या कुछ लग रहा है सर? अगर विभाग का सपोर्ट और सोशल का सपोर्ट रहा तो ये बच्ची फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। अच्छा, मतलब पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं? पढ़ लिख के आगे इसका फ्यूचर बैठने से हम लोग को नजर आ रहा है। हम लोग जितने शिक्षक हैं इसको प्रयास करते हैं कि
जितना से जितना अधिक हो सके उसको हम लोग शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी जो है इससे तो हम बातचीत किए हैं तो कुछ जवाब तो जितना क्वेश्चन किए हैं सबका जवाब तो बराबर दी है सर। तो आप तो मतलब कानिक केंद्रीय स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं सर। अच्छा अच्छा, और कोई शिक्षक है जो बोलना चाहेंगे? जी सर, शानी कुमारी फाइव क्लास में पढ़ती है और पढ़ने में बहुत लगनशील है, परिवार को समझती है, शिक्षा को समझती है और शिक्षक को भी समझती है। इसकी लिखावट दिव्यांग होने के बावजूद पैर की लिखावट बहुत सुंदर लिखती है, जिससे हम लोग को मन मोहित हो जाता है। अच्छा। और भविष्य में इनसे बराबर पूछते रहते हैं सभी शिक्षक, तो यही बोलती है कि हम आगे चलकर कोई अफसर बनेंगे। अफसर बनना का इसका मतलब सोच आगे का है ना? जी। अच्छा चलिए, तो हम तो आप